हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर वन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हाउस एंड इट्स एनवायरनमेंट, अर्थात घर या गृह और इसके चारों तरफ का वातावरण। अर्थात जब भी हम घर बनाने के लिए किसी जगह को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी सराउंडिंग, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की भूमि, जगह, सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग हमने बात करी थी कि सबसे पहले साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, फिर सॉइल का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। आज हम बात करेंगे वहाँ की सराउंडिंग के बारे में कि कैसी आपकी सराउंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम थर्ड फेज पर आते हैं जो है डिज़ायरेबल लोकेलिटी एंड सराउंडिंग, राइट। अर्थात इस जगह की जो यहाँ की लोकेलिटी कैसी है और वहाँ के चारों तरफ का वातावरण कैसा है, ठीक है, या आसपास का क्षेत्र कैसा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या आपको जैसा लोकेशन चाहिए, क्या ये लोकेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने सोचा था आपके दिमाग में, है ना, इस चीज़ का हमें देखना है। अब देखिए, जो भी व्यक्ति कभी भी अगर कोई घर बनवाना चाहता है या रहना चाहता है तो हमेशा उसकी ये डिज़ायर होती है कि जहाँ वो रहता हो वो आसपास की जगह बहुत अच्छी हो, वहाँ के रहने वाले लोग अच्छे हों, ठीक है, मिलनसार हो, ठीक है, भाईचारे से रहते हो। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को अच्छा लगता है, रहने का मन करता है ऐसी जगह पर, है ना, और साथ ही साथ में आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो आनंद से रहें, ठीक है, एक दूसरे की मदद करने वाले होने चाहिए। तो ये लोकेशन हर कोई व्यक्ति प्रेफर करता है, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ में जो लोकेशन है, जो जगह है, वो प्रॉपरली सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स वहाँ पर हर किसी अनजान व्यक्ति का आना जाना नहीं हो, चोरी वगैरह नहीं होती हो ऐसी जगहों पर, या कोई भी अनजान व्यक्ति आकर कोई ऐसी आतंकवादी प्रक्रिया नहीं करते, है ना। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो सिक्योरिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, ठीक है, यह भी ज़रूरी होता है, है ना। तो हमें क्या करना है कि अब आप वहाँ की जो लोकेशन है सराउंडिंग का कैसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जब भी हम मकान लेते हैं ना, तो आप सबसे पहले देखिए कि वहाँ की कॉलोनी कैसी है। कॉलोनी को ध्यान में रखा जाता है कि भाई कॉलोनी अच्छी है, विश्वसनीय है या नहीं है, है ना। क्या वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ पर घर कैसे बने हुए हैं, है ना, वहाँ पे ग्रीनरी कितनी है, घर कितने हैं, क्या सड़कें कैसी बनी हुई है, ठीक है, गलियाँ एकदम पतली पतली सकड़ी गलियाँ तो नहीं है, चौड़े रास्ते हैं, सीमेंट की बनी हुई रोड है या फिर डामर की रोड है या कच्चा रास्ता है। तो हमें ये छोटी छोटी सभी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर बहुत ही सकड़ी जगह होगी, ठीक है, या वहाँ पर रोड सही नहीं बनी हुई है, नालियों का निकास सही नहीं है उस स्थान पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ का वातावरण ही आपको गंदा और दूषित लगेगा, पल्यूटेड लगेगा वहाँ का एनवायरनमेंट, है ना। साथ ही में वहाँ पर आपको बहुत ही गंदगी भी दिखाई देगी, और जब जहाँ जिन जगहों पर गंदगी होती है वहाँ पर जैसे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, है ना। इसलिए कॉलोनी का सही या अच्छा होना, साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही अरेंज्ड होना, ठीक है, जैसे प्रॉपर सड़कें हैं, कहीं से टूटी फूटी नहीं होती, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है ना। अब देखिए, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ठीक है पूरी कॉलोनी अच्छी है, लेकिन जिस जगह पर आप ज़मीन ले रहे हैं उस ज़मीन के पास में कोई गड्ढे या पानी भरा हुआ नहीं हो, है ना, या लोग कचरा नहीं डालते, अगर ऐसी जगह भी होगी तो वो आपके रहने के लिए भी ठीक नहीं है, वो आपको मेंटली मतलब आपको एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करेगा, मानसिक विकास के लिए तो उसको अच्छी जगह की आवश्यकता होती है, और जब यह सब चीज़ें होगी तो व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके साथ ही ऐसी कॉलोनी होनी चाहिए जहाँ पर आसपास में जैसे कोई फैक्ट्रीज़ नहीं हो, ठीक है, या फिर कोई दूध की फैक्ट्री नहीं हो, या कोई चमड़े का कारखाना नहीं हो, या कांच का कारखाना, चूड़ी घर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके आसपास में, नहीं तो वो क्या करती कि उनसे निरंतर स्मेल आती रहती है, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु भी आ जाते हैं, कीड़े भी होते हैं, तो सब तरफ पोल्यूशन फैलता ही है उन चीज़ों से, है ना। वो हमारे
वहाँ से निकलने वाली जितनी भी हवा होती है, एयर होती है, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि अब रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में नहीं होनी, तो क्या होता, पूरे दिन वो ट्रेन निकलती रहेगी, तो उस ट्रेन की वजह से आपको एक तो शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा वहाँ आने वाले यात्री, अगर वो कोई रेलवे स्टॉप ही है तो आने वाले लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से निकलते हैं एक साथ, साथ ही जब ट्रेन ऐसी जगहों से निकलती है तो आपके घर में भी आपको एक वाइब्रेशन फील होती है उसकी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से, ये एक दृष्टि से ठीक नहीं होता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक शांति नहीं होती इन जगहों पर। अब देखिए, अब जो आपकी कॉलोनी है उसमें इन चीज़ों का तो हम ध्यान ही रख रहे हैं, साथ में रहने वाले जो लोग हैं ना वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना कॉलोनी के अंदर अच्छे होने चाहिए, जैसे कि कुसंगति नहीं होनी चाहिए किसी भी, ठीक है। अन्यथा क्या है कि इसका प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पे तो पड़ता ही है, और साथ ही साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं घर के, ठीक है, उनके ऊपर भी इसका खराब असर पड़ता है, क्योंकि ऐसे परिवारों में पलने बढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अच्छे संस्कार नहीं सीखते, तो वो दूसरी फैमिली के बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाते हैं, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा ऐसी फैमिलीज़ वगैरह देखिए जो सोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है, संस्कारी परिवार हो, ठीक है, या जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मकान के आसपास में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि कोई स्कूल हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो, कुछ दूरी के ऊपर हो सकती है ये चीज़ें, तो ठीक है, ताकि कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए दूर ना जाना पड़े, ठीक है। मेडिकल शॉप्स हो आपके आसपास, है ना, छोटा मार्केट हो, एटलीस्ट छोटी मोटी सब्जियां या छोटी मोटी दूध की कोई डेयरी हो, या फिर दूध का कोई ऐसा कैबिन होना चाहिए वहाँ पर। हॉस्पिटल यहाँ से पास में पड़ता हो, आपका वर्क प्लेस आपके पास में पड़ता है, ऐसी जगह की हमको कॉलोनी को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होती है कि इसके लिए आपको ना बार बार दूर तक नहीं भागना पड़ेगा इन सब फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि जैसे मेडिकल शॉप से ही इमरजेंसी फैसिलिटी है, ठीक है, हॉस्पिटल है इमरजेंसी के लिए होता है, तो ये जगह जितनी आपके पास में होगी व्यक्ति की जान को खतरा उतना कम रहता है, ठीक है। तो ये आसपास में होना ज़रूरी है, ये हमारे समय को बचाते हैं, हमारे पावर को बचाते हैं, हमारे मनी को भी बचाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखते हो कि आपकी कॉलोनी जो है वो मीन्स किसी पानी के पास में या किसी ऐसे एरिया के पास में है जहाँ पर पानी अच्छे से आता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि कोई तालाब, नदी, झरने या समुद्र के किनारे घर होगा, लोकेशन बहुत सुंदर है, आपको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, शुद्ध हवा भी आ रही है, लेकिन उस शुद्ध हवा के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी और गंदगी भी बहुत आती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो आपको अफेक्ट करेंगे, आपको बार 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 ध्यान रखना पड़ेगा घर का, ठीक है। और इसके साथ में ही अगर समुद्र के किनारे घर है तो वहाँ का जो पानी होता है उस पानी में बहुत ज़्यादा खारापन होता है ना, तो आपने अगर घर में कोई गार्डन बना रखा है कुछ है, तो वो आपके सारे पौधे उससे अफेक्ट होते ही हैं उस पानी से, ठीक है, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, आपके घर के आसपास पार्क हो तो बहुत अच्छा है, ताकि आप खेलने के लिए, घूमने के लिए वहाँ जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, बच्चे वहाँ पर खेल सकते हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक अच्छा प्लेस मिल जाता है खेलने के लिए, है ना, तो यह चीज़ें तो ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को फिज़िकल भी हेल्प मिल जाती है फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा रहता है इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपके यहाँ पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हों, ठीक है, ऐसी जगह भी उसके पास में होनी चाहिए, ताकि कल्चरल प्रोग्राम्स भी आप अटेंड कर सकें, है ना। और पास ही में कोई ना कोई टेम्पल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, मंदिर बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या है, आप आते जाते भगवान के दर्शन भी कर सके, पूजा पाठ वगैरह आसानी से कर सके, है ना, तो इसके लिए होना चाहिए। ये तो थी हमारी लोकेशन, और हमने सराउंडिंग की बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें पास में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पास में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में आती है आपकी स्वच्छता संबंधी सुविधाएं आती है सारी, ठीक है। अब देखिए, मकान जो आप बनवाते हैं वो, या फिर अगर आप खरीदते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मकान के अंदर जो भी बने हुए टॉयलेट्स हैं, ठीक है, बाथरूम्स हैं, है ना, उनके अंदर से जो पानी ड्रेन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो जो पानी बाहर निकल रहा है वहाँ पर ड्रेनेज की फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ से गंदे पानी का निकास आसानी से हो सके, ठीक है।
ऐसा नहीं हो कि आपके घर के किसी एरिया में या किसी जगह पर ही वो गंदा पानी इकट्ठा हो रहा हो, या फिर आपके घर के जस्ट बाहर ही हो रहा हो, तो ये चीज़ क्या करती है कि गंदगी की वजह से उसके अंदर जैसे कि मच्छर है, ठीक है, मॉस्किटोज़ वहाँ पे क्या होनेंगे, पैदा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मॉस्किटोज़ पैदा होंगे तो उसकी वजह से वो बीमारियाँ फैलाएंगे अब आपको, ठीक है। अब देखिए, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मक्खी मच्छर पैदा नहीं हो पाए, ठीक है। तो हमेशा ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए आपके घर में, ठीक है। घर के बाहर आपकी जो नालियाँ निकलती है उसकी भी सही व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ी डीप नालियाँ होनी चाहिए ताकि उसके अंदर से पानी अच्छे से निकल सके, और साथ ही गंदा पानी निकल रहा है तो आपको नाली भी टाइम टू टाइम आपको क्लीन करवानी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप पानी खुद से डाल सकते हैं या किसी से डलवा करके भी आप सफाई करवा सकते हैं उसकी नियत नियत समय के ऊपर, ठीक है। और जब हम खुद घर बनवाते हैं तब भी आपने ध्यान रखना है कि पाइप की फैसिलिटी या पाइप की जो फिटिंग हो रही है वो किस प्रकार से की जा रही है, क्या बिल्कुल सीधा निकल करके जा रहा है घर का सारा पानी, किस जगह पे एक जगह इकट्ठा होकर के वहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, पानी टॉयलेट और बाथरूम से ही नहीं निकलेगा, इसके अलावा आपके किचन से भी निकल सकता है ना, आपके वॉश बेसिन से भी निकल सकता है, ठीक है, आपके वॉशिंग एरिया से भी निकल सकता है ना। ये तो निकल रहा है, साथ ही जैसे आपके घर में जो बारिश होती है छत पर पानी भर जाता है तो उसको भी एक पाइप से उसका निकास किया जाता है, तो उसका भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी जगहों पे आपको सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करें अगर कि और आगे इसमें, तो देखिए अगर टॉयलेट्स की बात करें तो आपको हमेशा इसके अंदर फ्लश सिस्टम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, फ्लश सिस्टम आपको यूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होती है कि जितनी भी गंदगी होती है वो सारी फ्लश विधि के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपका टॉयलेट्स वगैरह बाथरूम के जो पाइप्स निकल रहे हैं, आप इसको किसके अंदर कर सकते हैं, जो सीवरेज लाइन होती है ना, जो कि नगर पालिका या वहाँ की जो स्थानिक जो भी कमेटी है उनके द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है ना, तो जैसे सीवरेज लाइन की दी गई है तो आप सीवरेज का इस्तेमाल करके अपने घर के टॉयलेट बाथरूम के जो गंदे पानी के पाइप्स हैं वो उसी के अंदर जुड़वा सकते हैं, तो सारा पानी एक ही साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो टॉयलेट्स के लिए प्रॉपर अपने खुद के सेप्टिक टैंक भी बनवाते हैं, ठीक है। तो इन सेप्टिक टैंक्स को बनवाने से क्या होता है कि सारी गंदगी जो होती है उसमें इकट्ठी रहती है और एक टाइम के बाद में आप उसको खाली भी करवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये तो था टॉयलेट की बात हो गई, हमारे घर के ड्रेनेज की बात हो गई जो वहाँ से निकलती। अब हम बात करेंगे वेस्ट की, ठीक है, या फिर लिटर की, जिसे आप कहते हो कूड़ा करकट या गंदगी, है ना। अब देखिए, हमारे घर के अंदर से बहुत सारा गंदगी कूड़ा करकट निकलता है, ठीक है। अब उसमें कागज़ हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा मिट्टी हो सकती है, कोई तिनके हो सकते हैं, ठीक है, या प्लास्टिक के रैपर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके घर से वेस्ट निकलता है, ठीक है। अच्छा, वो तो है आपका जैसे ड्राई वेस्ट हो गया, कुछ गीला कचरा भी निकलता है, कुछ सब्जियों का फलों का कचरा निकलता है, किचन का वेस्ट निकलता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गंदगी के रूप में आपके घर में होती हैं, ठीक है। तो अब देखो, इनको इसके अलावा जैसे कांच के टुकड़े हो गए, डिब्बे हो गए, थैलियाँ हो गई, तो आपने क्या करना है, इन सभी को डस्टबिन में आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। आप इनको कलेक्ट कीजिए और डेली बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी कॉलोनी के अंदर कोई कॉमन डस्टबिन लगा हुआ है बड़ा, तो आप उसमें ले जा करके डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या है वो गंदगी आपके घर से बाहर चल जाएगी। डस्टबिन में भी दो टाइप की फैसिलिटीज़ होती है, एक ड्राई वेस्ट के लिए होता है, ठीक है, ड्राई लिटर के लिए होता है, और एक वेट के लिए होता है। तो आपने गीला कचरा गीले वाले डिब्बे में डालना है, ड्राई वाला ड्राई के डिब्बे में डालना है, ठीक है। इसके अलावा आजकल स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ियाँ भी आती हैं, वो क्या करते हैं कि हर घर घर से जितना भी कचरा होता है, वेस्ट या लिटर होता है, उसको कलेक्ट करते हैं और लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका जो आसपास की सराउंडिंग है, ठीक है, जगह है वो एकदम, और आपका घर क्लीन रहता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इनको डस्टबिन में कलेक्ट नहीं करते, चाहे घर में नहीं करें या बाहर, है ना, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कचरा सब तरफ फैलेगा और ज़्यादा गंदगी फैलाएगा, है ना। हमेशा आपके डस्टबिन के ऊपर ढक्कन होना चाहिए ताकि उसके अंदर अननेसेसरी पानी नहीं गिरे, या फिर खुला रहने से उसके अंदर मक्खी मच्छर पैदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या है, हमेशा आपको ढक करके इनको रखना है,
जिससे आपके आसपास का जो वातावरण होगा वो भी दूषित नहीं होता है, पोल्यूटेड नहीं होगा, है ना। अब हम बात करेंगे हाउस एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखिए घर का एक स्वच्छ वातावरण, ठीक है, वो होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, है ना। अब देखो व्यक्ति है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी व्यक्ति को किसकी होती है, एक अच्छी या स्वच्छ वायु की आवश्यकता व्यक्ति को होती है, ठीक है। स्वच्छ वायु होगी व्यक्ति के पास में तो वो अच्छे से श्वास ले पाएगा, है ना। हम जब श्वास लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है O2 गैस, वो तो क्या करते हैं हम अंदर लेते हैं, और CO2 गैस जो होती है आप उसको एक्सहेल करते हो और आप इनहेल करते हो, है ना। ऑक्सीजन को इनहेल किया, CO2 को आप एक्सहेल करते हो, शरीर से बाहर निकालते हो। क्यों? क्योंकि जो CO2 गैस होती है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, है ना। अब क्या है कि अगर आपके घर के अंदर अगर स्वच्छ वायु आने का या साफ हवा आने का अगर कोई स्थान नहीं होगा ना, तो क्या होगा कि ये जो CO2 है ना, ये आपके घर के अंदर ही घूमती रहेगी, ठीक है। तो आपके वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा ना, उसको ख़राब करने का काम करेगी, ठीक है। बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी व्यक्ति को, ठीक है। अच्छा, आपके घर के अंदर वेंटिलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। वेंटिलेशन ज़रूरी होता है। वेंटिलेशन एक्चुअली जो हमारी विंडोज़ बनती है या दरवाजे बनते हैं उसके ऊपर की तरफ एक छोटी सी एक विंडो टाइप बनाया जाता है, ठीक है, जिसपे जाली वगैरह लगी रहती है। ये वेंटिलेशन क्या करते हैं, देखो बहुत हेल्पफुल होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो देखिए जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एक्सहेल करते हैं तो ये अशुद्ध वायु होती है, ठीक है, और ये हल्की होती है, है ना। और जो ऑक्सीजन होती है यह शुद्ध होती है वायु, ठीक है। तो यह क्या करती है कि यह जो शुद्ध वायु होती है वो तो नीचे जमी हुई रहती है, और जो CO2 गैस होती है ना जिसे हम एक्सहेल करते हैं अशुद्ध वायु, ये काफ़ी हल्की होती है कंपेयर टू CO2, कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्या करती है, जो CO2 होती है ये हमारे सीलिंग के ऊपर तक जाकर के यहाँ पे भरना शुरू हो जाती है, और नीचे नीचे हमारे ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर वेंटिलेशन होंगे ना तो ये CO2 जो ऊपर भरी हुई है ये धीरे धीरे अपने आप बाहर निकलती रहेगी और फ्रेश एयर अंदर आती रहेगी, लेकिन अगर वेंटिलेशन नहीं होंगे तो ये एयर बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, हम बनवाते भी इसी तरीके से कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसे विंडोज़ अगर एक तरफ विंडो है तो दूसरी तरफ भी विंडो या दरवाज़ा हो, ठीक है, या उसके ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, ताकि क्या है, एक तरफ से अगर शुद्ध वायु आती है तो दूसरी तरफ से जो अशुद्ध वायु होती है वो बाहर निकल सकती है, ठीक है। इसलिए दरवाजे, रोशनदान, खिड़कियाँ ये ज़रूर से ज़रूर आपके घर में बनवाना चाहिए, ठीक है। जो आपका किचन होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारी फ्यूम्स निकलती हैं, है ना, तो उस फ्यूम के भी निकलने का आपको प्रॉपर व्यवस्था आपको करवानी चाहिए, ठीक है। आप घर में जो दरवाजे लगवाते हो ना, जैसे कि डोर्स हैं, ठीक है, विंडोज़ हैं, इनके ऊपर हमेशा ध्यान रखें कि एक मैश डोर होना चाहिए या मैश विंडोज़ भी इसके साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपको एयर की रिक्वायरमेंट हो लेकिन आप नहीं चाहते कि धूल मिट्टी मच्छर या कोई कीड़ा आपके घर में आए, तो आप जो आप डबल विंडोज़ लगवा सकते हैं, एक पे कांच रहता है और दूसरे पे जाली रहती है, ठीक है। तो आपने क्या कि कांच वाली को खोल दिया और जाली वाली को बंद रखोगे तो एयर भी अंदर आ जाएगी और साथ ही साथ में जो मच्छर मक्खियाँ गंदगी होगी वो घर से बाहर ही रहेगी। हम दरवाजे में भी सेम चीज़ कर सकते हैं कि मैश वाला जाली वाला डोर बनवा सकते हैं और एक प्लेन डोर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको डबल सेफ्टी भी हो जाती है इससे, और दूसरी चीज़ कि जब आप चाहो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए तो आसानी से खोल भी सकते हो उसको, ठीक है। अब देखिए मकान के अंदर हम खिड़की दरवाजे लगाने के अलावा और छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें पहला होता है, एक तो सीलन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपका जो घर हो उसके आसपास गंदगी, ठीक है, एक तो गंदगी ना हो और सीलन ना हो आसपास में, क्योंकि अगर ये होगी तो ये क्या करेगी, आपके घर को ख़राब करने का या कमज़ोर करने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा घर के आसपास जो गंदा पानी होता है ना, गंदा पानी ना हो, मतलब कि आपको गंदा पानी नहीं जमने देना है आपके घर के आसपास में, क्योंकि गंदा पानी जमेगा तो वहाँ पे मक्खी मच्छर पैदा होंगे, बहुत सारे कीड़े पैदा होंगे और वो बीमारियाँ फैलाने का काम करेंगे, ठीक है। अब अगर है तो आप चाहें तो उनको
मिट्टी से भरवा सकते हैं, उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट डलवा सकते हैं या कीटनाशक का छिड़काव करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में, दीवार में, ठीक है, या दरवाजे में कहीं पर भी दरार होना, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत उसे भरवाना चाहिए। ठीक है, आप तुरंत उसे भरवा दीजिए, ताकि क्या है कि अगर दरारें या रहेगी तो आपका मकान भी कमज़ोर होगा, साथ ही साथ उसमें कोई ना कोई गंदगी जा करके चिपकेगी, कीड़े जा करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इनको तुरंत आपने बंद करवा देना है। ठीक है, भरवा देना है। आपके घर के आसपास में जैसे कि जो मुर्गी खाना होता है वो, ठीक है, डेयरी या फिर चमड़ा उद्योग, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर कुछ टाइम, जब आपने लिया अगर तब नहीं थी, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद अगर ये चीज़ बनने लगे तो आपने उसको नहीं बनवाने देना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाती हैं चारों तरफ। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखने देना है। ठीक है, और जो भी आप दरवाज़े बनवाते हैं, ठीक है, दरवाजे हैं आपकी, खिड़कियाँ हैं, ठीक है, ये आपकी कैसी होनी चाहिए, एकदम सूखी लकड़ी की बनी हुई होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ये क्या करती है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करेगी, है ना। गीली लकड़ी होगी तो वो मॉइस्चर लेगी ना, तो कभी वो फूल जाएगी, कभी सिकुड़ जाएगी, कभी फूलेगी कभी सिकुड़ेगी, तो आपको उनको बंद करने खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमेशा इनको बिल्कुल सूखी लकड़ी के बनवाने चाहिए और इनके ऊपर ऑयल पेंट करवा देना चाहिए, ताकि ये, या पॉलिश करवाना चाहिए, ताकि ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे ना, तो ये लकड़ी फूलेगी नहीं आपकी बारिश के दिनों में, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो जब आप दरवाजे खिड़कियाँ बंद नहीं कर पाएंगे तो आपके घर के अंदर मक्खी, मच्छर, गंदगी, कचरा, सब चीज़ें अंदर प्रवेश करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमें इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हमने कुछ लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।